हेलो दोस्तों, आज हम अपने रिएजेंट का 24th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। और भाइयों, इस रिएजेंट की ब्यूटीफुल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट की चर्चाएं को आगे बढ़ाते हैं। और ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट में आज हम अल्कीन की ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इपोक्सीडेशन फिनिश कर दी थी, डाईहाइड्रोक्सीलेशन फिनिश कर दी थी। आज भी हम अपने अल्कीन की ही ऑक्सीडेशन करेंगे और वो थोड़ी खास तरीके की ऑक्सीडेशन होगी, जिसका नाम है भाइयों ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन। ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन के थ्रू अल्कीन का क्लीवेज हो जाएगा और वही हमें देखना है। मतलब आपके पास क्या होने वाली है भाइयों, अल्कीन होने वाली है और उसमें आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, कुछ भी हो सकता है, जो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेंगे और ये अल्कीन यहाँ बीच से क्लीव हो जाएगी और आपके यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा। मतलब आपके कुछ इस तरीके से होंडा होने वाला है। अब कौन कौन से रिएजेंट करेंगे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, जैम लेवल वाले को भाइयों कौन सा पढ़ना है वो चीज आपको कवर करवा दिया जाएगा। नेट और गेट वाले के लिए थोड़ा और आगे पढ़ना पड़ेगा, वो मैं आपको लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो जैम वाले भैया आपको दो ही ऑक्सीडेटिव क्लीवेज को ही कवर करना है, आपका 100% सिलेबस का कवर करवाना है, वो मेरे को पता है, आप टेंशन ना ले। बस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना जब लेक्चर कंप्लीट हो जाने के बाद, ठीक है। कोई भी क्वेरीज रह जाती है आपको किसी चीज के रिगार्डिंग, तो आप मेरे से फोन नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और साथ में आप क्या कर सकते हो, मेरे साथ कमेंट करके और भी अच्छी तरह मेरे को बता सकते हो, ठीक है। तो चालू करते हैं। तो हमारे दो रिएजेंट हमें जो पढ़ने हैं जो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेंगे उनको देख लेते हैं। पहला आपका जो होगा, जिसमें हम करेंगे ओजोनोलिसिस। क्या करेंगे, ओजोनोलिसिस के थ्रू हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेंगे, उसमें जो हम सॉल्वेंट का यूज करेंगे अल्कीन, और जो आपका ओजोनोलिसिस में ओजोन उठाएंगे, दैट इज ओजोन O3। कैसे प्रिपेयर हुआ वो अलग फंडा है, O3 ओजोन, और उसके साथ हम सॉल्वेंट लेंगे भाइयों, और इन सॉल्वेंट का बड़ा ही इंपॉर्टेंस रोल है। ये सॉल्वेंट अलग अलग वर्क करते हैं, एक आप यूज करोगे Me2S और एक यूज करोगे H2O2 और एसिडिक कंडीशन, मतलब एसिटिक एसिड के साथ, और एक यूज करोगे Me2S को NaBH4 के साथ, सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ। तो इन तीनों से क्या होने वाला है, तो आप पहले यहां ध्यान रखना, इन शॉर्ट बता दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो वीडियो को चालू करने से पहले जो भी न्यू स्टूडेंट है लाइक सब्सक्राइब शेयर जो कर देना, ठीक है भाइयों, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि प्रॉपर टाइम पे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने मिलता रहेगा। और लाइक तो मारी दे क्योंकि मेहनत तो चल ही रही है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। जितने ज़्यादा सदस्य बढ़ेंगे उतने ज़्यादा मजा आएगा कंटेंट बढ़ाने में और उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी आएगी पढ़ाई में। तो चालू करते हैं ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस में आपको O3 दे देगा इन सभी सॉल्वेंट के साथ। अभी इन तीनों सॉल्वेंट का अलग अलग वर्क होगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है भैया, और डिटेल में मैकेनिक्स के थ्रू बात करने वाले हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आ जाते हैं, तो O3, तो तीनों जो ऑक्सीजन होंगे वो भाइयों इस अल्कीन में ऐसे हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट, देखिए, ठीक है। तो होने क्या वाला है देखना भाइयों, तो यहां पे पेंटागन वाली शेप थोड़ी सी बन जाती है, ठीक है। तो ये इतना करने के बाद अब यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, क्या होगा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, और यहां हाइड्रोजन ले रखा है भाइयों, यहां हाइड्रोजन लगाना मत भूलना। अब होगा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में क्या होगा, ये यहां से ऐसे वाई शेप में काट देना, दैट इज अ वाई। अब वाई शेप में काटोगे तो आपको पता ही है ये, और साथ में इसके साथ ये ऑक्सीजन रहेगा तो आपके यहां कीटोन बन जाएंगे, और आपके पास अगर ये काटोगे तो आपके पास क्या बन जाएंगे भाइयों, देखना, यहां H और यहां डबल बोन O, मतलब ये आपके क्या बन गए, कीटोन, और ये क्या बन गए, अल्डिहाइड, ठीक है। तो ये तीन केस बताए थे, तो ये केस फर्स्ट है। वो केस फर्स्ट कब होगा, जब Me2S डाल के दे देगा आपको सॉल्वेंट, ये केस फर्स्ट है आपका। अगर हम जो नेक्स्ट जो केस पढ़े उसमें क्या होगा देखना, अगर आपको नेक्स्ट केस में क्या डाल के देगा, H2O2 ओवर एसिटिक एसिड की कंडीशन में, तो आपको यहां पे एक कीटोन एक एल्डिहाइड बने, पर भाइयों यहां पर जो होगा ये टूट के तो कीटोन तो देगा, पर भाइयों यहां पर ये जो आपको मिलेगा एल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, वो डायरेक्टली आपके क्या चेंज हो जाएंगे, एसिड में चेंज हो जाएंगे। किसमें भाइयों, एसिड में चेंज हो जाएंगे। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ये आपके एसिड में चेंज हो जाएंगे, एल्डिहाइड ना बन करके एसिड में, तो इस चीज को सिंपली याद रख लेना। और थर्ड केस क्या है उसको देख लेंगे, मैकेनिज्म भी देखने वाले हैं, टेंशन ना लो, ठीक है। थर्ड केस में अगर आपकी ये यूज कर लिए क्या चीज, Me2S इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4, तो पहले Me2S से तो आपको पता है ये बनने वाला है, तो इस चीज को लिख दो पहले, ये थोड़ा टू स्टेप रिएक्शन हो जाती है, देखना सिंपली देखो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो ये आपके अल्डिहाइड फॉर्म हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, दैट इज अल्डिहाइड, और फिर एल्डिहाइड में
इन दोनों में क्या डाल दोगे आपने? सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या डाल दोगे? सोडियम बोरोहाइड्राइड, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप उन्हें रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट खत्म करती है, तो ये कीटोन को रिड्यूस करके क्या बना देगा? 2 डिग्री अल्कोहल में। और एल्डिहाइड को रिड्यूस करके क्या बना देगा भाइयों? ऑब्वियस बात है, 1 डिग्री अल्कोहल में। तो सिंपली हम अपने क्या कर सकते हैं, इनको रिड्यूस करवा के आपका एट लास्ट ये जो डाला है Me2S1 इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो आपको यहां जाकर रिएक्शन को फिनिश करना है। तो ये तीन केस है जो ओजोन एनालिसिस में इंपॉर्टेंस रखते हैं और एग्जाम लेवल के क्वेश्चन में आते हैं भाइयों। तो आपको इन तीनों का कवरेज इन डेप्थ करना पड़ेगा। तो इन डेप्थ इनकी मैकेनिज्म एक्सप्लेनेशन होगी, एक एक करके इन सभी के एक एक केस को डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो भाइयों ये पूरा चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले। सेकंड जो बात हमें करनी है दैट इज ओजोनोलिसिस के थ्रू हो गया। पहले हमें अपने 1-2 डायोल्स फॉर्म करने हैं, मतलब डाइहाइड्रोक्सिलेशन करना है। तो डाइहाइड्रोक्सिलेशन हमने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, और फिर बाद में ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करना है, फिर बाद में क्लीवेज करना है। तो ये दो चीज हमें पढ़नी है पूरे चैप्टर के अंदर। तो आज का लेक्चर इसी पे रहेगा, और समझ में आ रहा है और लग रहा है कुछ पढ़ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पर टेल किए जाएंगे, ठीक है भाइयों। और कोई भी क्वेरी रह जाएगा तो कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। तो चालू करते हैं अपने लेक्चर को और इन डेप्थ इसका कवरेज करने चलते हैं। तो पहले आ जाते हैं अपने केस पे, ओजोनोलिसिस पे, ठीक है भैया। तो ओजोनोलिसिस की तीन केस बड़े इंपॉर्टेंट रखते हैं, और इन तीनों केस का थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली आप चलो, तो मैकेनिज्म तो यही थी इसकी, मैकेनिज्म यही थी, सिंपल आपको याद रखना है। ओजोनोलिसिस करवाई, क्लीवेज होगा तो एल्डिहाइड और इसमें मिलेगा, इसके केस में आपको कीटोन और एल्डिहाइड मिल जाएंगे। पर एल्डिहाइड अगर बने तो याद रखना, सिर्फ एल्डिहाइड अगर बने तो आपके एसिड में चेंज होंगे, इसके केस में Me2S ओवर एसिडिक कंडीशन में, ठीक है। और कीटोन है तो कीटोन रहने देना, कीटोन नहीं चेंज होंगे, एल्डिहाइड ही आपके एसिड में चेंज होंगे। तो आ जाते हैं इसकी रिगार्डिंग और क्वेश्चन करते हैं। और मैकेनिज्म तो यही थी भाइयों आपकी, मैकेनिज्म मैंने इसी में एक्सप्लेन कर दिया, तो बस आ जाते हैं क्वेश्चन करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। तो ओजोनोलिसिस के थ्रू क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएगा दैट इज फिनाइल ग्रुप डाल के दे दिया, और आपसे बोलेगा भाई फर्स्ट O3 इन द प्रेजेंस ऑफ Me2S, किसके प्रेजेंस में? Me2S। तो ये पहला रिएक्शन डाल दिया, और सेकेंड आपसे कुछ नेम रिएक्शन कुछ करवा सकता है, दैट इज NaOH डाल के दे दे। कैसे? तो पहले तो आप ओजोनोलिसिस करवाओ। तो ओजोनोलिसिस हमने देखी थी क्या था होता है, तो यहाँ पर ओजोन लग जाएगा, यहाँ पे ओजोन लग जाएगा, यहाँ ओजोन लग जाएगा, और यहाँ फिनाइल ग्रुप है। तो सिंपली एक बार मैकेनिज करके दिखा रहा हूँ, ये इधर मतलब ये पेंटागन जैसी शेप ले लेगा, और पेंटागन जैसी शेप ले लेगा तो इसे वाई शेप में काट देना, ठीक है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाएगा। देन आपके क्या हो जाएंगे भाइयों? आपकी यहाँ पर ये फॉर्म हो जाएंगे दैट इज एल्डिहाइड, और यहाँ पर जो फॉर्म हो जाएंगे दैट इज बेंजल्डिहाइड, है ना भाइयों? ये आपके क्या फॉर्म हो जाएंगे? बेंजल्डिहाइड। तो सिंपली आप ये दो करवा दोगे तो इसमें आपने Me2S का ही यूज किया था, इसलिए बेंजल्डिहाइड और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड ही रहेंगे। अगर नहीं होते तो एसिडिक एसिड बना देते। अगर इसके अंदर आपने बेस डाल दिया, क्या डाल दिया भाइयों? बेस डाल दिया, तो बेस प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये अल्डोल कंडेंसेशन की कहानी बन जाएगी। तो यहाँ पर एक नेम रिएक्शन भी फॉलो हो सकती है, दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आप प्रेफर कर लेना अल्डोल कंडेंसेशन, इन दैट नेम रिएक्शन मैंने एक्सप्लेन कर रखा है भाइयों, तो वहाँ जाके अल्डोल कंडेंसेशन की कहानी आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर नहीं आती हो तो, ठीक है। बीच में इसलिए नहीं करना था, चीजें स्किप हो जाएंगी, लेक्चर मिक्स हो जाएगा, इसलिए भाइयों। तो अल्डोल कंडेंसेशन की कहानी यहाँ चालू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ हिंट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मतलब आपसे ओजोनोलिसिस करवा देगा फिर बाद में नेम रिएक्शन पूछ लेगा, ठीक है। और आते हैं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन, जैसे आपके पास इस तरीके की अल्किन दे दी और आपसे बोल दिया भाइयों, ध्यान से देखना, आपसे पहला रिएक्शन दे दिया O3 इन द प्रेजेंस ऑफ Me2S। तो हम पहले यही केस लेके चल रहे हैं, पहला केस लेके चल रहे हैं O3 इन द प्रेजेंस ऑफ Me2S के केस में, ठीक है। तो इसी की बातें करेंगे, इसी के अल्किन की क्लीवेज करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक ही रिएजेंट की बात चल रही है तो आपको यहां से क्लीवेज कर देना है, और मैकेनिज्म तो आपको बता ही दिया है। तो यहां पे कीटोन बन जाएंगे और इधर भी कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिनको दिक्कत है वो वाई शेप में काट के आराम से बना देना। तो कीटोन बन गया सिंपली, और शॉर्ट मारना है आपको। अगर इसके अंदर मैंने NaOH का यूज कर लिया, मतलब बेस, ठीक है, तो आपकी ये अल्डोल कंडेंसेशन बन जाएगी, और वो अल्डोल क्या हो जाएगी? यहाँ से हाइड्रोन अटैक है, ये हाइड्रोन अटैक मारेगा इस पर, ये मतलब इंट्रा मोलिकुलर अल्डोल की कहानी चालू हो जाएगी, इंट्रा मोलिकुलर अल्डोल की कहानी चालू हो जाएगी इसकी,
अल्डोल। तो याद रखना भाइयों, अल्डोल कंडेंसेशन तो मैंने पढ़ा है, एंड में इंट्रामोलिकुल, बीच में इंट्रामोलिकुल अल्डोल की चर्चा भी मैंने की है, तो पूरा इन डेप्थ कवरेज वहां अल्डोल कंडेंसेशन का मिल जाएगा। विजिट करें नेम रिएक्शन की सीरीज में, तो आपको सारी कार्बन कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो जैम के अकॉर्डिंग 90% सिलेबस को कवर कर रही है, मतलब वो नेम रिएक्शन का, ठीक है भाइयों। तो ये दे रखा है और आपसे बोल दे भाई सेम रीजन O3 और Me2S, Me2S की कहानी चल रही है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसका यहाँ से क्लीवेज कर देना है, और क्लीवेज करके कीटोन बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड हाइड्रोन तो है नहीं, तो यहाँ पर आप कीटोन बना देना। तो ये देखिए कीटोन बना दी मैंने, तो थोड़ा आप भी करने की कोशिश करना और सिंपली हो जाएगी। तो आपको शॉर्ट ट्रिक ही मारनी है, और शॉर्ट ट्रिक हम करवा ही रहे, फिर बाद में NaOH डाल दिया, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल की कहानी चल रही है, ठीक है। और क्वेश्चन करें क्या, थोड़ा आप डिफरेंट चीजें घुसाएं, तो इसमें तो यही चीज यूज कर रहे हैं O3 और Me2S, और इसका जब यूज कर लोगे तो आपको पता है, देखना भाई हो, इसका जब यूज करोगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोन भी है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो एक एल्डिहाइड बनेगा और एक कीटोन बनेगा। तो सिंपली बना दोगे, एक कीटोन बन गया और एक एल्डिहाइड बन गया सिंपली। और फिर अगर आपसे यहां पर डाल दे भाई हो क्या विटिग रिएजेंट, क्या डाल दे, PS3 का P डबल बॉन्ड CHCOOET ग्रुप, दैट इज विटिग रिएजेंट। ये क्या है आपका, विटिग रिएजेंट है, और इससे जो रिएक्शन होगी दैट इज विटिग रिएक्शन। क्या होगी भाइयों, विटिग रिएक्शन। ये पता है किस पे मारेगा, जो लेस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा, मतलब यहां से ऑक्सीजन हटेगा, ये हट जाएगा, अल्किन यहां से बैठ जाएगी डायरेक्टली। तो ये थी विटिग रिएक्शन की कहानी। तो ये चीज मैं अभी नहीं करवा रहा, क्योंकि विटिग रिएक्शन नेम रिएक्शन है। तो अब नेम रिएक्शन देखो कितनी इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है बीच में, तो नेम रिएक्शन आनी इंपॉर्टेंस है, और 90% सिलेबस, मतलब ये नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और 90% कार्बन कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन आती है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो नेम रिएक्शन पूरी तैयार हो चुकी है, विजिट करो और देखो, और आगे कहानी समझो, ठीक है भाई। तो अभी तो आधा सीख लो क्या जा रहा है, बाद में नेम रिएक्शन सीरीज पूरी कंप्लीट कर लेना क्या जा रहा है, पढ़ने से मतलब है, ठीक है। आ जाते हैं, ये है, इसमें Me2S डाल दिया तो क्या करोगे, क्या करोगे, तो सिंपली आपको पता है, ये अभी तो करवाया मैंने, यहां पे एल्डिहाइड और यहां पे कीटोन, सिंपली करवा दोगे। तो ये था आपके फर्स्ट सॉल्वेंट का काम। अब सेकेंड सॉल्वेंट का यूज कर रहा हूं, दैट इज O3 ओवर Me2S इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन, दैट इज एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये चीज यूज कर ली है, तो आपको पता है एल्डिहाइड ही कन्वर्ट होते हैं एसिड में, तो इस चीज का ध्यान रखना। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, और आपसे डाल दिया O3, और सेकेंड डाल दिया आपसे Me2S इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन, तो आपको पता है O3 है, तो करवा दो Me2S के प्रेजेंस में, O3 और Me2S के प्रेजेंस में, तो ये चीज क्या हो जाएगी, ब्रेक कर जाएगी, और यहाँ हाइड्रोन होगा, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक कीटोन की फॉर्मेशन, और यहाँ पे ये अल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर देगा, तो सिंपली ये हो जाएगा। और आपको पता ही है, आपने एसिडिक कंडीशन यूज कर रखा है, तो इट कन्वर्ट, तो ये कन्वर्ट होके किस में, ये तो कीटोन एज इट इज रह जाएगा, और आपका ये एसिड में चेंज हो जाएगा सिंपली। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी को नोट कर ले, और समझ में आता तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ठीक है भाई, लग रहा है तो बढ़िया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करें क्या इसी की रिगार्डिंग, जैसे आपके पास दे रखा है ये, और आपसे बोल दिया भाई O3 इन द प्रेजेंस ऑफ Me2S इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन, एसिडिक एसिड, तो आपको पता है ये ब्रेक करेगा, और ये जब ब्रेक करेगा दैट इज द कीटोन, और ये आपकी क्या बन जाएंगे, ये आपका एल्डिहाइड, दो यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये भी आपके एल्डिहाइड, जिनको दिक्कत आ रही है मैकेनिज्म को फॉलो कर लेंगे। और फिर जब ये डाल रखा है एसिडिक कंडीशन, तो ये एल्डिहाइड दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं एसिड के अंदर, तो इट कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ऑब्वियस बात है एसिड के अंदर होगा, तो एसिड के अंदर बना दो भाई, तो ये डबल बॉन्ड ओ, ये OH एसिड बन गए, ऐसे डबल बॉन्ड ओ और ये OH, ये दोनों के दोनों एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिर्फ ओनली एल्डिहाइड के केस में ऐसा होगा, ठीक है भाई। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है भाई, मजा आ रहा है तो, ठीक है। तो थोड़ा नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको ये वाला, तो थोड़ा सा याद ध्यान रखना है, ये पेंटागन की रिंग है ऐसे नीचे, और यहाँ से आपको ये ऊपर वाला तो दिख ही रहा है, ये दोनों ग्रुप, ठीक है, नोट कर ले, ठीक है। आ जाते हैं, ये चीज क्लियर हुई, अब थर्ड सॉल्वेंट के ऊपर चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने, जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म करने हैं, चलो भाई थर्ड सॉल्वेंट के ऊपर। देखिए भाई, थर्ड सॉल्वेंट क्या था हमारा, O3 इन द प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में, Me2S
इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4 है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सिंपली आप क्या करोगे, आपके पास जैसे क्वेश्चन है और आपने बोल दिया भाई हो क्या O3 डालो Me2S की प्रेजेंस में, और Me2S जो है वो NaBH4 के साथ भी आ रहा है, NaBH4 के साथ भी आ रहा है, तो O3 करोगे तो आपको पता है ये टूटेगा, और ये टूटेगा तो आपको पता है यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा और यहाँ पर कीटोन बनेगा, और आपने ये डाल दिया और साथ में आपने ये यूज़ कर रखा है NaBH4, तो ये NaBH4 क्या कर देगा, रिड्यूसिंग एजेंट, इसको रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस करेगा, और इसको 2 डिग्री अल्कोहल, इसको 1 डिग्री अल्कोहल बना के छोड़ देगा। तो सिंपली अगर आपने रिड्यूस पूरे रिएजेंट को सीरीज से देखते आ रहे हो तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देख लो बिल्कुल बढ़िया चल रही है सीरीज, ठीक है। और करते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए और सेम काम कर दे MeTS NaBH4, तो आपको ये ब्रेक करना है, और जब ये ब्रेक हो जाएंगे तो इधर भी कीटोन और ऊपर दिखा दे रहे हो क्योंकि मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगेन NaBH4 डाल दिया तो कीटोन दोनों है, और दोनों ही कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंपली दोनों ही कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सिंपली आप इस चीज़ को नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी कहानी सारी मेरी जवानी। तो अब आ जाते हैं, हम थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, कीमो सिलेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। क्या ये कुछ स्पेसिफिक अल्किन पे अटैक मारता है? बिल्कुल भाई, ओजोनोलिसिस थोड़ा लालची होता है और वो अटैक मारता है जो मोर इलेक्ट्रॉन डेंस अल्किन होती है ना, मोर इलेक्ट्रॉन डेंस अल्किन होती है ना, जिसकी अल्किन, जिस अल्किन के पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उस पर ये बहुत ज़्यादा प्यार देता है, और प्यार देता है उससे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करके उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कीमो सिलेक्टिविटी, ये मोर इलेक्ट्रॉन डेंस एल्कीन को सिलेक्टिवली रिड्यूस करता है एज कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रॉन डेंस एल्कीन। तो जाते हैं, जैसे आपके पास ये है एल्कीन और आपके पास एक अल्किन ये है, और आपने डाल दिया क्या भाइयों O3 और Me2S। अब दोनों कंबाइन क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, तीनों सॉल्वेंट एक साथ आएंगे तो तीनों सॉल्वेंट समझो, Me2S है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये अल्किन पर अटैक मारेगी ये वाली पे, तो आपको पता है यहाँ अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, इसके थ्रू ये एक अल्फा, तो ये तीन अल्फा हाइड्रोन मिलकर इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे, और इसके थ्रू मतलब तीन अल्फा कार्बन मिलकर इसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे, और यहाँ सिर्फ एक अल्फा कार्बन मिलकर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हुई, इस पर ओजोनोलिसिस नहीं होगी। तो आपको सिंपली यहाँ से क्या कर देना है, ब्रेक डाउन कर देना है, और ब्रेक डाउन करोगे तो आपको पता ही है यहाँ पर क्या होगा, कीटोन की फॉर्मेशन, और यहाँ पर क्या होने वाला है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो सिंपली आप करवा सकते हो, ठीक है। Me2S दे रखा तो एल्डिहाइड कन्वर्ट नहीं होगा एसिड के अंदर, अगर इसके साथ एसिटिक एसिड लेते तो कन्वर्ट हो सकता था। तो सिंपली क्वेश्चन कर सकते हो आप, अगर ये दे रखा है और सेम रिएजेंट डाल दिया, कुछ चेंज नहीं किया, तो आपको पता है ये मोर इलेक्ट्रॉन डेंस होगी, क्योंकि ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, इसको स्टेबलाइज करोगे, इसके थ्रू ये दोनों अल्फा ही इसको, तो ये जब टूटेगा तो आपको पता ही है सिंपली क्या होने वाला है, ये कीटोन और ये भी कीटोन, और यहाँ अल्किन बरकरार रही है, तो ये मोर इलेक्ट्रॉन डेंस अल्किन के लिए हाईली सिलेक्टिव होता है। अब इसी में लेवल बढ़ा रहे हैं भाइयों, अब थोड़ा रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट जो होंगे बहुत सारे यूज करने वाला, मतलब अब आपको ब्रिज रिडक्शन भी करवाना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए आपके पास ये दे रखा है OCS3, और इसमें आपको डाल के दे दिया CS3, और आपसे पहले बोल दिया सोडियम लिक्विड अमोनिया, सोडियम लिक्विड अमोनिया, मतलब ब्रिज रिएजेंट की कहानी, अगर ब्रिज रिएजेंट नहीं आता, ब्रिज रिएजेंट की कहानी बिल्कुल सिंपली समझाई थी, तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है, और दोनों चाहते हैं हमारे पास जो अल्किन आए दोनों मेरे पास अल्किन की स्ट्रेंथ रहे, तो पर ये तीन अल्किन है, ये आपको दो अल्किन बना के देगा, वो दो अल्किन होगी नॉन कॉन्जुगेटेड, तो नॉन कॉन्जुगेटेड अल्किन, और दोनों चाहते हैं मेरे पास अल्किन रहे तो कोई दिक्कत नहीं हम देंगे, कैसा होगा वो देखिए भाई, ये चाहता है मेरे पास अल्किन रहे और ये चाहता है मेरे पास, तो क्या ये नॉन कॉन्जुगेटेड अल्किन है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल कंडीशन फॉलो होगी। और फिर देन आपसे क्या बोल दिया भाई, वो क्या बोल देगा O3 ओवर Me2S, और साथ में आपसे बोल देगा NaBH4, थर्ड ऑक्सीडाइज, थर्ड सॉल्वेंट ले लिया, तो O3 ओवर NaBH4, तो ये आपको पता है मोर इलेक्ट्रॉन डेंस अल्किन पे किस पे, इस पे अटैक मारेगी या इस पे अटैक मारेगी, तो आपको पता है ये प्लस एम ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्लस एम से बढ़ाएगा, और ये प्लस आई ग्रुप है, तो ये मोर लेस इलेक्ट्रॉन डेंस हुआ, ये मोर, तो ये टूटेगा, और ये टूटेगा तो सिंपली आप क्या करने वाले हो, ये जब टूटेगा डबल बॉन्ड O और यहाँ H होगा, और सिंपली यहाँ पर जब ये टूटेगा तो देखना भाई, यहाँ डबल बॉन्ड O बच जाएगा और साथ में OCH3 ग्रुप कंबाइन है, तो ये कीटोन बन गया, और ये क्या भाई हो एल्डिहाइड। और फिर अगर आपने क्या डाल दिया NaBH4, क्या डाल दिया NaBH4
BH4। तो ये क्या कर देगा, इन दोनों को रिड्यूस कर देगा और इसको प्राइमरी और इसको सेकेंडरी अल्कोहल बना के छोड़ देगा। तो ये आपके प्राइमरी अल्कोहल बन गए और ये आपके सेकेंडरी अल्कोहल बन गए भाइयों सिंपली। तो ये आपका एंड प्रोडक्ट आपके सामने हाजिर है, ठीक है, नोट कर लें। बस थोड़ी बहुत मैंने अब लेवल बढ़ा रहा हूँ, तो अब इसमें सारी रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट की कहानी चालू हो जाएगी। तो इसी में और क्वेश्चन करते हैं, इसी रिगार्डिंग और भी कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर करते हैं, टेंशन ना ले, बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहे, ठीक है। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है और आपसे बोल दिया क्या भाइयों, लिथियम ओवर लिक्विड अमोनिया, तो आप क्या करोगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये दोनों के पास एल्किन होनी चाहिए, तो भाई दे दो, दोनों के पास एल्किन है, दोनों राजी हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करवा दो, क्या डाल के दे दिया इसमें, आपसे बोल देगा O3 डाल दो, Me2S की प्रेजेंस डाल दो और साथ में NaBH4 डाल दो, तो यही मोर इलेक्ट्रॉन डेंस एल्किन होती है, ये टूटेगी और सिंपली जब टूटेगी तो ये कीटोन में बनेगा और यहाँ पे ये कीटोन में ही बनेगा और यहाँ एल्किन ऐसी रहेगी। और फिर अगर आपने NaBH4 का यूज़ कर लिया तो ये दोनों को रिड्यूस कर देगा और इसको 2 डिग्री अल्कोहल की कहानी स्टार्टअप हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल आपके सामने आ जाएंगे। तो सिंपली आप क्वेश्चन करवा सकते हो, ये थी कीमो सिलेक्टिविटी की बातें, ठीक है भाइयों। तो सारे सॉल्वेंट का यूज़ आपको प्रॉपर पता होना चाहिए और प्लस आपको रिएजेंट की सीरीज पूरी अच्छी तरह आनी चाहिए, तभी काम बन सकता है और प्लस नेम रिएक्शन की कहानी यहाँ पर हो सकती है ना भाइयों। तो ये थी ओजोनोलिसिस की कहानी, हमने ख़त्म कर दी। लास्ट वन जिसको हमें देखना है, दैट इज 1,2-diol फॉर्मेशन। पहले हमें हाइड्रोक्सीलेशन करवा देना है और एंड देन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, क्या भाइयों जो अभी तक करवाते आ रहे हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज सिंपली। तो देखिए क्या होने वाला है, आ जाओ। तो आपने ले रखी है एल्किन और उसमें आपको डाइहाइड्रोक्सीलेशन करवाना है, तो कई सारे रिएजेंट बताए थे, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ले लो, पर एसिड का यूज कर लो, है ना, सॉरी ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का यूज करोगे ना, तो ये क्या होगा, ये एल्कीन को डाइहाइड्रोक्सिलेट कर देगा और OH ग्रुप का जो ट्रांसफर होता है वो सिन एडिशन के थ्रू होता है, ठीक है। और फिर इसके अंदर आपने क्या यूज कर लिया भाई, क्या यूज कर लोगे, अब रिएजेंट आ रहा है किस चीज का, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के लिए, तो यहां पर यूज करोगे IO4-, दैट इज पर आयोडेट आयन, क्या होता है ये, पर आयोडेट आयन होता है भाइयों, ये किस किस से मिलेगा पर आयोडेट आयन, आपको रिएजेंट डाल के देगा, HIO4 डाल के दे दे, ठीक है, KIO4 डाल के दे दे, NaIO4 डाल के दे दे, तो इससे आपको ये मिलेगा पर आयोडेट आयन और ये इसको क्या कर देगा, क्लीवेज कर देगा और क्लीवेज करके एक एक ऑक्सीजन मिला देना है, ठीक है भाइयों। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको डायरेक्टली इस चीज़ का याद रखना है, पहले डाइहाइड्रोक्सिलेशन फिर देन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज और किसकी प्रेजेंस होगा, इसकी पर आयोडेट आयन की, ठीक है, ठीक है भाइयों। तो सिंपली आप क्वेश्चन कर सकते हो, आ जाते हैं इसी रिगार्डिंग और क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है भाइयों, यहाँ हाइड्रोन ले लिए, देखना भाइयों, और इसमें डाल दिया ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो आपको पता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, तो ये क्या करेगा, डाइहाइड्रोक्सिलेट कर देगा OH, ठीक है भाइयों, थोड़ा H मेरा OH कुछ अलग ही लगता है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है, और इनमें ये इनमें से कोई सा भी डाल देगा, मैंने डाल दिया HIO4 और ये क्या कर देगा, इसको ब्रेक करके ये बना देगा H डबल बॉन्ड, एक एल्डिहाइड बन जाएगा क्योंकि H यहाँ पर लगा हुआ था और एक आपका बन जाएगा क्या भाई, सिंपली कीटोन। तो कोई दिक्कत नहीं, उड़ा सकते हो आप क्वेश्चन, ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस इतने हो जाती है, क्वेश्चन से क्या होता है ना, क्लियरेंस आ जाती है कि कंसेप्ट हमारा क्लियर है या नहीं है, ठीक है। आज जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है ये है और इसमें क्या डाल के दे देगा भाई, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डाल के दे देगा, तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डाल दिया तो इसमें डाइहाइड्रोक्सिलेशन करवा देना, करवा दिया, और फिर देन आपसे क्या बोल देगा, NaIO4 डाल दो पर आयोडेट आयन, ये हट जाएगा तो सिंपली एक आपका क्या बन जाएगा, एक आपका ऐसा एल्डिहाइड बन जाएगा और दूसरा आपका आपका फॉर्मल्डिहाइड आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो सिंपली आप क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हम हाइड्रोक्सिलेशन दूसरी तरीके से करवा सकते हैं, एक नेम रिएक्शन पढ़ी हमने जो आपके नेम रिएक्शन में ना कवर भी करवाया और इसमें रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शन है, इसमें डाल दिया सोडियम और ज़ाइलिन,
ठीक है, और ये जब डालते हैं और आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, दैट रिएक्शन इज पिनाकोल सिंथेसिस रिएक्शन। क्या होती है भाइयों? पिनाकोल सिंथेसिस रिएक्शन। जिन्होंने सीयू के एक्सरसाइज देखते आ रहे हो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करता है, इसको क्या कर देता है, कपलिंग रिएक्शन कर देता है ना, मेटल की प्रेजेंस में। तो ये मेटल है और कपलिंग रिएक्शन हो जाती है, तो ये मेटल बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट की कहानी चालू हो जाती है। तो यहाँ पर ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और आपके पिनाकोल फॉर्म हो जाते हैं। पिनाकोल ये आपके डायहाइड्रोक्सीलेशन होगी, और फिर देन अगर आपने HIO4 का यूज़ कर दिया, ये हट जाते हैं, देन आपके यहाँ पर सिंपली कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस चीज़ में, ठीक है। तो इतना याद रखना, हमेशा जो डायोल फॉर्म होंगे वो हमेशा एडजेसेंट डायोल फॉर्म होंगे, नॉन एडजेसेंट डायोल कभी मत बनाना, जैसे अभी आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपली क्वेश्चन को कैसे करना है वो चीज आपको मैं क्लियर करता जा रहा हूं, ठीक है। फिर भी कोई क्यूरीज रह जाए तो कमेंट करके जरूर बतानी है, और समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलो भाई, वो कर दो, ठीक है। ये दे रखा है ऐसा कुछ, तो ये जो डायोल है और इसमें HIO4 डाल दिया, तो अगर एडजेसेंट डायोल हुए तभी ये ऑक्सीडाइज होंगे, एडजेसेंट डायोल नहीं होंगे तब ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, नो रिएक्शन लिख देना भाई। तो सिंपली आप कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ, जरूरी थोड़ी है आपके पास एडजेसेंट डायोल है पर एक से दो या दो से ज्यादा डायोल्स आ जाए, तो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़े इंपॉर्टेंट करते हैं। देखना ये OH, ये OH, और भाई यहां पे एक चीज याद रखने वाली है, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आप बोलोगे एडजेसेंट डायोल ये भी है, एडजेसेंट डायोल ये भी है, और आपने डाल दिया क्या भाइयों HIO4। अब क्वेश्चन आता है कितने मोल ऑफ HIO4 की जरूरत है, पहले चेक करो कितने एडजेसेंट डायोल है, एक ही है और एक ही है, मतलब यहां पर कितने मोल ऑफ एडजेसेंट डायोल की जरूरत है, 2 मोल्स ऑफ। ये लीटर में भी पूछा जाता है कितने लीटर ऑफ HIO4 की जरूरत है, तो लीटर की ये थोड़ी फिजिकल केमिस्ट्री की कंसेप्ट है, तो लीटर में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, मोल से लीटर में कन्वर्ट, तो वहां से आप सीख लोगे, पर मोल्स आपको यहां क्लियर कर दिया, ठीक है भैया, फिजिकल केमिस्ट्री आपकी हेल्प कर देगी। तो ये क्लीवेज होगी, ये क्लीवेज होगी, तो आपको ध्यान रखना ये जो क्लीवेज होगा, आपको पता है यहां डबल बॉन्ड हो और ये H बन जाएगा, और ये क्लियर जो एंड वाला जो क्लीवेज होगा वो आपको बता देता हूं, ये डबल बॉन्ड और H, ये एल्डिहाइड बन जाएंगे, और जो बीच वाला जो क्लीवेज होता है हमेशा याद रखना, बीच वाला जो क्लीवेज होके बनेगा वो आपका एसिड ही देगा, क्या भाइयों, एसिड ही देगा। तो इतना याद रखना, बीच वाला आपको एसिड देगा और बाकी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिल सकते हैं, तो याद रखना बीच वाला जो क्लीवेज होके प्रोडक्ट जो मिलता है वो एसिड मिलता है, इतना याद रखना, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे क्वेश्चन है भाइयों, देखो क्वेश्चन बनाता हूं, देखिए ये है आपके पास OH यहां दे रखा है, एक OH यहां दे रखा है और एक OH यहां दे रखा है, और प्लस आपको एक OH यहां दे रखा है, और आपसे बोल दिया भाइयों HIO4 डाल के, आप बोलेगा कितने मोल ऑफ HIO4 की आवश्यकता है, तो पहले एडिशन डायोल देखो, क्या भाइयों एडजेसेंट डायोल, तो यहाँ पे भी OH है, तो ये एडजेसेंट डायोल है, बिल्कुल है, ये एडजेसेंट डायोल है, ये एडजेसेंट डायोल है, तो 1, 2, 3 हो गए, क्या ये एडजेसेंट डायोल है, नहीं भाई यहाँ पे कार्बन लग गया है, तो ये 3 मोल ऑफ HIO4 की जरूरत है, तो क्लीवेज यहाँ होगा, क्लीवेज यहाँ होगा, क्लीवेज यहाँ होगा, सिंपली। तो क्लीवेज करवा दो, तो जब ये क्लीवेज होगा तो देख सकते हो इसमें ये वाला भी बीच वाला है, और बीच वाला प्रोडक्ट जो होगा आपका एक ये वाला भी होगा भाई, ध्यान देना एक ये वाला बीच वाला, तो 2 बीच वाले मतलब 2 एसिडिक, मतलब 2 बढ़ा दिए मैंने एसिड्स, ठीक है। और ये 2 बचे ये कैसे दिखेंगे वो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये जो बना ये डबल बॉन्ड हो रैच लगा दिया, और इससे अटैच्ड है भाइयों ये OH, ठीक है भाइयों, और यहाँ पर आपके ऑक्सीजन, और इससे अटैच्ड है इसका भी जो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हुआ ये भी बन जाएगा, है ना, डबल बॉन्ड O और ये H, ये आपका 3 प्रोडक्ट आपके सामने आ गए। तो सिंपली आप क्वेश्चन कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये थी बातें जो मेरे को आपको समझानी थी, और अब आ जाते हैं अल्कीन में ही है, अल्कीन का पोर्शन आपसे फिनिश कर देते हैं हम, जो है अलाइलिक हाइड्रोक्सीलेशन है जिसको हमें पढ़ना है, क्या भाइयों। तो ये थी आपकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, यहाँ फिनिश होगी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, और अब आ जाते हैं अलाइलिक हाइड्रोक्सीलेशन, अलाइलिक हाइड्रोक्सीलेशन मतलब समझ गए, मतलब डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन को बोलते हैं अलाइलिक कार्बन, और उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अटैचमेंट, दैट इज अलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन। तो सिंपली क्या करेंगे, अगर आपने ये डाल दिया और इसके अंदर आपको रिएजेंट मिल जाए SCO2, मतलब सेलेनियम ऑक्साइड
SiO2 सेलेनियम के ऑक्साइड मिल जाए तो ये क्या कर देगा, ये डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ट्रांसफर कर देगा, मतलब एलैलिक हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है और आपसे बोल दिया यही रिएजेंट, तो सिंपली आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पोजिशन पे एल्कोहल का ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, एक आखिरी है जो हमें पढ़ना है, एक और कंसेप्ट रहा है एल्किन का, दैट इज वेकर्स ऑक्सीडेशन। क्या भाई हो, क्या देख लो, जिसका नाम है वेकर्स ऑक्सीडेशन। वेकर्स ऑक्सीडेशन जिसमें आपके रिएजेंट होंगे PDCl2 प्लस CuCl प्लस, ठीक है याद रखना है, O2 इन द प्रेजेंस ऑफ DMF। ठीक है भाइयों, ये सारे डालोगे दैट इज ये आपके वेकर्स ऑक्सीडेशन करेंगे, और ये चीज डाला और ये डिट्टो के डिट्टो सारे रिएजेंट यहाँ ठोक दोगे, देन आपके क्या होंगे, ये अल्कीन हटेगा और अल्कीन में से ये वाले कार्बन टर्मिनल कार्बन पे नहीं बनेगा। ठीक है, टर्मिनल कार्बन पे नहीं बनेगा, तो यहाँ पे कीटोन की फॉर्मेशन कर देनी है। ठीक है, ठीक है, तो सिंपली आप जैसा क्वेश्चन इस तरीके से है, यहाँ पर आपको कीटोन दे दिया और यहाँ पर आपको अल्कीन दे दिया और यही सारी चीज़ डाल दी, तो टर्मिनल कार्बन पर कीटोन की फॉर्मेशन, कीटोन फॉर्म करना है और कीटोन भाई वो टर्मिनल पे नहीं हो सकता, तो यहाँ पर कर दोगे। और अगर यहाँ पर NaOH डाल दिया तो दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है भाइयों, और अगर यहाँ पर Na क्या डाल दिया, OH डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ Y2, दैट इज कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, दैट इज हेलो फॉर्म रिएक्शन, हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो सिंपली आप करवा सकते हो, नोट कर लो इस चीज़ को। ठीक है, तो ये थी कहानी, ठीक है, जिसको आपको क्लियर करनी थी, तो ये थी पूरी बातें जो मेरे को आप समझानी थी। तो आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं, तो ये थी अल्कीन की इपोक्सीडेशन की कहानी, मतलब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन की कहानी जो हमने फिनिश कर दी, और साथ में हमने वेकर्स ऑक्सीडेशन और एलैलिक हाइड्रोक्सिलेशन फिनिश कर दिया। अल्कीन की लगभग कहानी फिनिश हो चुकी है, एक बार देख लेता हूँ कुछ कुछ बातें और रहेगी क्या। ठीक है, देख लेता हूँ मैं एक बार, आपको क्लियर कर देता हूँ, हो सके मेरा फिनिश हो गया है अल्कीन की ऑक्सीडेशन। ठीक है, अल्कीन की ऑक्सीडेशन एक मिनट रुक जाओ, एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन पे आए हम, और ठीक है भाइयों, अल्कीन की ऑक्सीडेशन यहाँ आपकी कम्प्लीटली फिनिश होगी। कल से हम अपने ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट की चर्चाएं चालू कर देंगे, जिसमें RBMGX आ जाएंगे, गिलमांस रिएजेंट आएंगे, और आपके RMGX आ गए, दैट इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट आ गए, गिलमांस रिएजेंट आ गए, और लिथियम ऑर्गेनोलिथियम आ जाएंगे। तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम ऑर्गेनोलिथियम, इन सभी की कहानी हम चालू कर देंगे। और समझा आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना है। ठीक है भाइयों।